हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अडर ट्वेंटी फोर सेवन कैसे आप सब लोग और भाई महाराष्ट्र सी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इस साल गेम्स खेल रहे हैं पहले उन्होंने जब थ्री ईयर एल का भी स्कोर कार्ड निकाला तो उन्होंने उसमें भी स्कोर की जगह पे आपको एक परसेंटाइल स्कोर दे दिया और अब फाइव ईयर के लिए भी पहले जब उन्होंने डेट्स का कुछ अनाउंस किया था तो डेट्स में भी अब उन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है और बच्चे काफ़ी इस वक्त क्यूरियस uh, है टू नो देयर स्कोर देर परसेंटाइल सो दैट दे कैन नाउ वेट फॉर द सी ए पी राउंड दैट इज दी उनकी जो काउंसलिंग uh, प्रोसेस है उसका पार्ट ले सकें लेकिन उस काउंसलिंग प्रोसेस में जाने से पहले आपके पास होना चाहिए बच्चों कि एक प्रेफरेंस लिस्ट आप कौन सी भरें कौन कौन से वो कॉलेजे हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही टॉप कॉलेजेस फॉर लॉ जो फाइव ईयर में आप टारगेट कर सकते हैं और उनमें आ, क्या एक सेफ स्कोर के ऊपर हम चल सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो आइए चलते हैं बिना उसके धीरे लेकिन पहले यहाँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और इधर देखते हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट पिछले साल जब आई थी फाइनल लिस्ट की जो मेरिट लिस्ट थी चाहे वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए हो या आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए हो वो इन्होंने कुछ एट्थ ऑफ जुलाई को दी थी So, तो टेक्निकली अगर देखें तो दिस इज द सेम टाइम वेन द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर ऑल्सो एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि बाय दिस सेम टाइम दैट द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक में आपके पास आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो अगर हम आउटसाइड महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स को देखें तो पिछले साल यहाँ पर मिस्टर यशराज जो थे ये इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर था जहाँ पर ये ओएमएस कैंडिडेट थे इनके सी ई टी मार्क्स आए थे 128 और इनके एच एस सी और एस एस सी में भी 82.40 टू पॉइंट फोर ज़ीरो नाइन्टी वन पॉइंट एट जीरो मार्क्स थे तो पिछली बार जब इन्होंने अपनी ये मेरिट लिस्ट बना के निकाली थी तो इन्होंने उसके सी ई टी के मार्क्स भी दिए थे इधर और इधर इन्होंने एच एस सी और एस एस सी का भी यहाँ पर इन्होंने मार्क्स दिए थे उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनका स्कोर 115 के ऊपर अगर हम देख लेते हैं एक हाइपोथेटिकल uh, अगर एक नंबर लेके चलते हैं सो so, 115 के ऊपर यहाँ पर अगर हम 115 पे रुक जाते हैं मतलब 115 के ऊपर अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 144 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 115 से ज़्यादा स्कोर आया था तो अब इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं और ये लिस्ट देखते हैं यहाँ पर ठीक है इस लिस्ट में अगर हम यहां देखते हैं तो पहला कॉलेज आपके सामने नो no डाउट आता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज दैट इज जी मुंबई ठीक है अब जीएलसी मुंबई आपके सामने जब आता है तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में पहले सबसे ऊपर नंबर पर होना चाहिए फॉलोड बाई ऑफकोर्स आई एल एस पुणे राइट सो आई एल एस पुणे वुड बी ऑन द सेकेंड नंबर ये आपको जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे तो आप यही इसको भर सकते हैं अब इसके बाद जब आप ये दो कॉलेज भरते हैं तो आप ये मान सकते हैं दट एनी बडी हु अबव हंड्रेड एंड फिफ्टीन ठीक आउटसाइड महाराष्ट्र के बाद बता रहा हूँ तो उसका लिस्ट वन में चांसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं तो एनीबडी हु इज स्कोरिंग वन फिफ्टीन के ऊपर तो अगर हम इसको एक थोड़ा सा ऊपर ले कर चले जाएँ कंसिडरिंग कि इस बारी क्या हाइस्ट uh, नंबर आएगा वो हमें नहीं पता तो उसमें अगर हम ये लेके चलते हैं तो अराउंड 115 टू 118 के ऊपर अगर आप स्कोर करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में आपको सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है तो एक तो आपके पास यहाँ पर देखना होगा क्योंकि अगर आप देखें वन uh, ट्वेंटी में भी अगर हम उसी लिस्ट में जाके अभी मैं आपको दिखा दूँगा 120 के भी ऊपर आप जाके देखते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे थे जिनके 120 के ऊपर भी स्कोर्स वहाँ पर आए हुए थे तो उस बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो ये दो कॉलेजेस में इस स्कोर पर एक फर्स्ट लिस्ट में आना आपके लिए आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से कैटेगरी में हैं तो उसमें आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में लिस्ट में आ, मिल सकता है तो ये दो कॉलेज आपके हो गए थर्ड कॉलेजेस आपके पास आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का ये आप एज अ थर्ड प्रेफरेंस भर सकते हैं फोर्थ प्रेफरेंस में आप भर सकते हैं प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ दिस इज अगेन अ गुड एंड अ डिसेंट कॉलेज जो आप भर सकते हैं एंड इज़ अ गुड वन इन योर प्रेफरेंस लिस्ट जो आप यहाँ पर उसके अलावा कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आपके पास आता है डेकन एजुकेशन सोसाइटी का नवलमल फिरोदिया कॉलेज ऑफ लॉ दिस इज़ शुड बी इन द नेक्स्ट इन द प्रेफरेंस लिस्ट जो आपका जब स्कोर आ जाए तो आप इसमें जाके कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है रिजवी लॉ कॉलेज ठीक है दैट इज अगेन अ गुड कॉलेज दैट यू कैन टारगेट फॉर योर प्रेफरेंस लिस्ट नेक्स्ट वन दैट कम्स इज मराठावाड़ा मित्र मंडल तो दिस शंकर राव चौहन कॉलेज पुणे में जो है ये आप टारगेट कर सकते हैं उसके बाद आपके पास आता है डॉक्टर डी वाई पाटल का ये कॉलेज ठीक है तो कॉलेज ऑफ लॉ ये आपके पास कुछ कॉलेजेस uh, हैं जो आप इनको रेफर कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसी के हिसाब से भर सकते हैं उसके अलावा आप मीठी ठीक है जो मैंने आपको बता दिया है दैट इज़ uh, प्रवीन uh, उसके, उसके बाद आप कुछ कॉलेजेस लाइक सिद्धार्थ लॉ कॉलेज इसको टारगेट कर सकते हैं जो ये नोटेबल मैंशन्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस दैट आई है राइट नाउ विद यू ये आप मैं uh, ले सकते हैं सिद्धार्थ लॉ कॉलेज इज़ ऑल्सो गुड वन तो आपके जो ऊपर के जो टॉप फोर फाइव कॉलेजेस हैं जो मैं भी, भी मैंने आपको बताया उन टॉप फोर फाइव कॉलेजेस में अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 105 के ऊपर आता है स्कोर की बात कर रहा हूँ इस साल तो वो परसेंटेज लेंगे बट स्कोर आपने निकाल ही लोगे लो जब आपका वो आएगा फाइनल स्कोर तो आएगा या आपने अभी तक निकाल भी लिया होगा बिफोर करेक्शन एंड आफ्टर करेक्शन के बाद तो अगर आपका 105 के ऊपर आ रहा है तो आप चांसेस ले सकते हैं कि आपको जो टॉप टेन फिफ्टीन जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर 105 के ऊपर आता है कुछ जगहों पे आपको 100 पे भी एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है वहीं अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो महाराष्ट्र कैंडिडेट में तो 85 फाइव परसेंट सीट्स ऑलरेडी हैं तो आपका स्कोर तो ऑफ़कोर्स इससे आप पाँच मार्क्स या सात मार्क्स के आसपास कम कर सकते हैं जो अभी कट ऑफ लिस्ट मैंने आपको बताई है तो ये आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट हो सकती है जो आप भरें जब आपके लिए काउंसलिंग का जो फॉर्म है और राउंड वहाँ पर स्टार्ट होंगे रिजल्ट कब तक आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगर हम इसके जो कैप राउंड का वो देखें उसमें अगर आप जाके देखते हैं तो आपका रिजल्ट अब कभी भी किसी भी पल यहाँ पर आ सकता है इस वीक में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका रिजल्ट वहाँ पर दे देंगे अभी उन्होंने जो 16 तारीख दी थी वो एम एच के लिए दी थी जो उनकी साइट पे ऑलरेडी विजिबल भी है जो आप जाके यहाँ पर देख सकते हो राइट right? अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो उनकी साइट पर दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द रिजल्ट फॉर एम एच टी इज रिटर्न हियर देखिए ज फॉर पी सी एम एंड पी सी बी सो दिस वॉज सिक्सटीन को जो कि रिजल्ट घोषित हो चुका है तो आपके लिए भी जो फाइव ईयर लॉ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी रिजल्ट अब बस बहुत जल्दी आने वाला है लेकिन उस कट ऑफ के हिसाब से आप इस प्रेफरेंस uh, लिस्ट में ही इसी ऑर्डर में आप इसको भर सकते हैं और uh, कोशिश कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए तो हमारी तरफ से तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट राइट right? और आप बस इसी तरीके से थोड़ा सा पेशेंस रखो आई नो एन्जाइटी होता है क्यूरियसनेस होती है बटरफ्लाइज इन द स्टमक होती हैं कि जब रिज़ल्ट आने वाला होता है क्या आएगा कैसा आएगा पर्सेंटाइल क्या रहेगी वो सब चीज़ें आपके सामने होती हैं लेकिन हम लोग आपके साथ हैं डोंट वरी जैसे ही कुछ इसके बारे में जानकारी आएगी रिज़ल्ट के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे लेकिन अभी के लिए जो कट ऑफ्स हैं वो रेंज यही रह सकती है क्योंकि आपने देखा 128 ट्वेंटी एट आउट ऑफ वन लास्ट ईयर था तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट पीपल विल स्कोर समवेर क्लोजर टू दिस नंबर राइट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ पेपर दैट के एम उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या था ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, तो वो आप कर सकते हैं और वहीं जो लोग एम एच सी टी की तैयारी uh, करना चाहते हैं अगले साल के लिए फॉर फाइव ईयर तो आपके लिए हमारे पास यहाँ पर ये बैच है जो आप ले सकते हैं ठीक है विच इज़ प्राइम टू पॉइंट बैच ठीक है तो ये आपका बैच है प्राइम बैच जो आप दिखाई दे रहा है आपको फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ठीक है आप ये जाके ले सकते हैं ठीक है इस पर आप जाके अगर अभी आज के दिन पे कोड लगाते हैं तो आज तो आपको इस पर मिल रहा है एट्टी परसेंट का डिस्काउंट ठीक है तो ओ ये हमने कोड गलत लगा दिया वाई सेवन वन थ्री लगाना है हमें तो हम कोड लगाएंगे वाई सेवन वन थ्री और इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको अभी मिल रहा है एटी परसेंट का डिस्काउंट जो कि वैलिड है आज के लिए ठीक है आप जाके इसको ले सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप कोई भी फाइव ईयर लॉ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है आपके लिए महापैक जिसमें हम आपको सारे फाइव ईयर लॉ प्रोग्राम जितने भी हैं चाहे वो क्लैट हो एलेट हो सी यूजी जामिया मिलिया इस्लामिया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सिंबाओसिक सबकी तैयारी इस महापाक में करवा सकते हैं उस पर भी आपको मिल रहा है एटी वन परसेंट का डिस्काउंट तो कोई भी आपको बैच लेना हो ये है नंबर आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा बैच की एंड आई विल बी योर मेंट और थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन सो बिल्कुल भी घबराइए मत रिज़ल्ट जैसा आएगा सबका अच्छा आएगा बस ये प्रेफरेंस लिस्ट को ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये है बहुत ज़रूरी ऑल द बेस्ट टेक केयर